हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मैक्स एनिमेशन चैनल में। हाँ, मैंने चैनल का नेम बदल दिया। ओके, कोई बात नहीं, पहले वाला भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा ही रखा है, कोई बात नहीं। तो कैसे आप सब लोग, बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो बनाई है मैंने, तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखना। तो आज का टॉपिक बेसिकली मैं सजेस्ट किया है मेरी बिग सिस्टर ने, जो बोल रही थी क्या एनिमी रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कुछ ऐसे थ्योरी पर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर फर्स्ट थ्योरी की तरफ। तो नंबर फर्स्ट थ्योरी बेसिकली कुछ ऐसी है कि अभी हम जिस डायमेंशन में रहते हैं, बेसिकली वो 3D डायमेंशन है, और हमने अभी तक डायमेंशन के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, पर लेकिन हाँ, आगे चलकर बहुत सारे डायमेंशन निकल सकते, तो हो सकता है कि वो कोई और डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हो। और जिन लोगों को पता नहीं कि डायमेंशन मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूँ, डायमेंशन का मतलब होता है कि बेसिकली हम एक थिंक है, यानी कि एक वस्तु है, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लो, हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट डायमेंशन यानी कि हम उसकी एक ही साइड देख रहे हैं, 2D डायमेंशन यानी कि एक्स वाई लाइन पर हम देख रहे हैं, और 3D डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड जोन में देख रहे होंगे, उसे हम कहते हैं डायमेंशन। तो चलिए जानते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है। तो बेसिकली बहुत से लोग कहते हैं कि 3D डायमेंशन के आगे कोई डायमेंशन नहीं है, पर लेकिन देखेंगे क्या होता है आगे चलकर, पता नहीं, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। नंबर 2 पर जो थ्योरी आती है वो थ्योरी है स्पेस थ्योरी, जो भी स्पेस और कॉस्मोलॉजी या फिर एस्ट्रोमोलॉजी, जो भी हो, फिजिकोलॉजी से मतलब इंस्पायर्ड है, उनको पसंद है, उन लोगों के लिए थ्योरी बहुत काम आने वाली है। हमें पता है कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट हमारी यूनिवर्स में करती है, पर लेकिन हमें वो पता नहीं किस फॉर्म में है। और अगर हम सोच ले कि अगर वो एलियन सिविलाइजेशन है हमारे एनिमेशन कैरेक्टर की तरह हो, तो सुगाइज देखिए, साइंटिस्ट लोगों को भी अभी तक एलियन का पता नहीं चला है, पर लेकिन हम ऐसा सोच सकते, थिंक रख सकते हैं कि जो एलियन सिविलाइजेशन है वो एनिमे कैरेक्टर की तरह दिख सकती है ना। शायद 90% चांस हो सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे एनिमेशन अभी बना लिए और हम एवोल्यूशन के फर्स्ट स्टेज पर जाने वाले, इसलिए हम अभी एडवांस हो चुके हैं। चलिए बढ़ते नंबर 3rd थ्योरी पर। नंबर 3rd की जो थ्योरी है उसका नेम है एनिमे अल्सो एग्जिस्ट एंड ह्यूमन अल्सो एग्जिस्ट। तो बेसिकली ये थ्योरी कुछ हमें ऐसा बताती है कि हम भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, वो भी इस ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, पर लेकिन हम उनके लिए अननोन है और वो हमारे लिए अननोन है। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए आप एक वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम ने आप एक बंद कमरे में हैं जहाँ पर सिर्फ आप अकेले, पर लेकिन आपके आसपास कोई एग्जिस्ट करता है जिसे हम एयर बोलते हैं। सो गाइज, हमें पता है कि एयर अल्सो एग्जिस्ट करती है, पर लेकिन एनिमेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और भी बहुत सारी थिंग है जो एग्जिस्ट कर सकती है। तो जैसे हम थिंकिंग कर रहे हैं कि एनिमे रियल लाइफ में एग्जिस्ट हो, वैसे वो भी हमारे बारे में सोच रहे होंगे कि काश ह्यूमनॉइड भी रियल लाइफ में हो। सो गाइज, आशा करता हूँ कि मेरे तीनों थ्योरी आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस पर Part 2 बने, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना @Part2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।